नमस्कार, सिलसच में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। नक्सलियों को पकड़ने के लिए लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी बीच छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर उन्होंने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये नक्सली IED जैसी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर में सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 नक्सलियों को धर दबोचा है। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन नक्सलियों को नेडनार गांव में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए नक्सलियों के नामों का भी खुलासा हो चुका है। इनमें नक्सली लखुराम उर्फ करगी को राम, जिसकी उम्र 30 साल है, मसू उसेड्डी, जिसकी उम्र 21 साल है, और कोयराम उसेड्डी, जो की 30 साल का है। इन नक्सलियों की गिरफ्तारी 23 मई को नारायणपुर थाना से DRG और कुकड़ा झोर थाना से जिला बल की पूरी टीम के द्वारा की गई है। गिरफ्तार होने वाले तीनों नक्सलियों पर 24 फरवरी 2021 को आकाबेड़ा गांव के करीब बम विस्फोट करने की घटना में शामिल होने का आरोप है। बता दें कि इस विस्फोट में एक जवान भी घायल हो गया था। आपको बता दें कि नक्सलियों की धरपकड़ का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसके चलते अभी हाल ही में नारायणपुर जिले की पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। इन 8 नक्सलियों को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान रायनार गांव में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार हुए नक्सलियों में केसाराम पोया आयतू, मानपुर राम दुग्गा, गोम्बे पोयाम, पून पोयाम, बोलो मंडावी और सुखराम पोयाम शामिल हैं। ये सभी नक्सली धनोरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। बता दें कि ये नक्सली नारायणपुर ओशा की सड़क पर IED ब्लास्ट की घटना में शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खबर है कि पुलिस की पूछताछ में इन नक्सलियों ने 23 जून 2020 को नारायणपुर ओशा सड़क पर IED ब्लास्ट कर फायरिंग करने की घटना में शामिल होने की बात को भी स्वीकार कर लिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ सच के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।